नमस्कार दोस्तों, हमारे अपनी YouTube चैनल टोटल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, MPPSC के थ्रू जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार यानी कि सहायक कुल सचिव का एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इसका रिजल्ट आ चुका है और इसके बाद फ्रेंड्स इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं। देखिए, इसमें जो कुल टोटल 93 के आसपास ये वैकेंसी वगैरह थी, और इसमें जो इसकी आपका इंटरव्यू की जो डेट है फ्रेंड्स, संभावित है 19 से 20 नवंबर के आसपास ये आपके इंटरव्यू हो सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको 2/11/2018 तक आपके इसमें डॉक्यूमेंट दिए हैं। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजना है फ्रेंड्स ऑफलाइन। ठीक है, ये अनुप्रमाण फॉर्म एक प्रति, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म एक प्रति में विधिवत भरकर, उसके साथ आपका जन्मतिथि प्रमाण पत्र, उसमें आपका ये 10th की मार्कशीट चल जाएगी, शैक्षणिक अर्हता, आपके पास जो भी ग्रेजुएशन और PG, जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि फ्रेंड्स SC ST के लिए रहेगा, और उसके लिए आय प्रमाण पत्र OBC वालों के लिए, और फ्रेंड्स मूल निवासी आपका, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, पृष्ठ की छाया प्रति, और शासकीय कर्मचारी होने पर नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र, और हैंडीकैप्ट के लिए इसमें उसका सर्टिफिकेट, और यह सभी डॉक्यूमेंट आप 2/11/2018 तक आयोग की कार्यालय में आपको भेजना होगा। और ये सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है जो इसमें ऑनलाइन एग्जाम में पास हुए इंटरव्यू के लिए, ये आप देख सकते हैं इसमें, यदि आपका नाम है तो अच्छा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो MPPSC के थ्रू एग्ज़ाम हुआ था, उसका परिणाम रिजल्ट आ चुका है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए MP रजिस्ट्रार से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।